अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है वो हम करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स HSSC 2 सेकंड ईयर चैप्टर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.3 लेक्चर 1। तो जो बोर्ड में क्वेश्चन आ रहे हैं वही हम, अगर मैं यहां से ये एक्सप्रेशन है इसमें से एक्स स्क्वायर जो है वो इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, पूरी ये सारी एक्सप्रेशन नहीं लेता, ऐसी एक्सप्रेशन इसमें से एक्सप्रेशन में से कोई टर्म ऐसी सिलेक्ट कर ली मैंने जिसका हम डिफरेंशियल लेंगे तो ये ऊपर वाली सारी एक्सप्रेशन आ रही है सारी। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट x square is equal to t, x square को मैंने t कह दिया है। तो जब मैं differential लूंगा इसका, तो differential लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, जैसे हम derivative लेते हैं वही, सिर्फ हम x के variable वाले ज्यादा कर देंगे, y वाले t वाले ज्यादा रखेंगे। तो 2 नीचे आ गया, एक power less हो गई, फिर x का differential लेंगे तो ये dx आ गया, और t का differential लेंगे तो dt, ये डिफरेंशियल ले लिया, x स्क्वायर इज इक्वल टू t आ गया, डिफरेंशियल ले लिया तो ये 2 नीचे आ गया, पावर डाउन एक लेस हो गई और x का डिफरेंशियल dx और dt आ गया। इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा इसको, तो देयरफॉर माइनस 2x dx ओवर 4 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू, अच्छा इसको मैं और करके लिख लेता हूं, तो ये माइनस से यहां अगर आप यही वैल्यू पुट कर रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करें इसको हम इसी तरह रख लेते हैं, ये आ गया कि आपके पास माइनस एज इट इज, तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर की जगह डी आ जाएगा, 2x dx की जगह क्या आ जाएगा dt, तो इधर आ जाएगा माइनस dt ओवर 4 माइनस, इसकी जगह जब हम एक्स स्क्वायर की जगह t पुट कर देंगे। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो माइनस डी डी सॉरी इसको ऊपर ले गए, 4 माइनस टी इसकी पावर माइनस 1/2 और माइनस डी डी, साथ हमने यहां माइनस रख लिया माइनस 2, इसकी पावर प्लस 1/2 है, ऊपर जाके माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा देखें, ये अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लूं, यहां पर प्लस सी होल पावर 1/2 किसके इक्वल बन गया, एक्स प्लस बी डी एक्स इसके बराबर है डी टी बाय 2 डिवाइडेड बाय, इसको हमने टी के इक्वल लिया था तो टी की पावर क्या बन जाएगा 1/2। अब इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, ये इसके नीचे जो 2 था 1/2 बाहर निकाल लिया, ये t पावर 1/2 ऊपर चला गया माइनस 1/2 डी टी 1/2, तो 2 ये t पावर 1 में से 1/2 निकाल दिया तो 1/2 रह जाएगा अंडर रूट, और ये 1/2 रह गया प्लस कांस्टेंट, तो ये 1/2 से कैंसिल, माइनस अंडर रूट टी प्लस सी, पुटिंग ये सी 1 putting value of c t, तो क्या बन जाएगा माइनस अंडर रूट t की जगह पर हमने ये लगा दिया x स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c प्लस c1, ये आंसर। नेक्स्ट ये प्लस था 1/2 कट जाएगा, ये साइन यहां माइनस वाले गलती से लगा दिया, ये 1/2 माइनस साथ नहीं है। नेक्स्ट फिर है क्वेश्चन आपका,
एट क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, नाइन अलेवन भी हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखेंगे। क्वेश्चन ट्वेल्व, साइन थीटा डी थीटा और वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हमने इंटीग्रेट करना ही है। तो इसको भी हम ऐसी जो है वो क्या मैंने किसी भी एक्सप्रेशन को टी के इक्वल ले लेते हैं ताकि ये चीज उसके अंदर मौजूद हो। तो यहां से हम कॉस ले लेते हैं, लेट कर लिया, लेट कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी, कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी कर दिया मैंने, डिफरेंशियल ले लिया तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन थीटा और थीटा का डी थीटा और टी का डी टी, डिफरेंशियल ले लिया ये बन गया आपके पास माइनस का साइन उधर लेंगे तो साइन ऑफ थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस डी टी। ये therefore integral of sin theta d theta over 1 plus cos square theta is equal to sin theta d theta minus d d 1 plus और cos theta को मैंने t के इक्वल लिया था तो ये t square बन गया, वैल्यूज पुट कर दिया। तो इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा डी थीटा ओवर वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस, मैंने स्टेप पे बाहर निकाल लिया, वन ओवर वन प्लस टी स्क्वायर डी डी। तो आपको पता है कि वन ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है वो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है तो ये टेन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हो गया, टेन इनवर्स टी का ये डेरिवेटिव हो गया प्लस कॉन्स्टेंट आ गया। ये एक्सप्रेशन आप इसकी पुटिंग वैल्यू ऑफ टी क्या बन जाएगा माइनस टेन इनवर्स टी की जगह पर हमने कॉस ऑफ थीटा लगा दिया, cos of theta plus constant, तो ये इंटीग्रेट एक्सप्रेशन इंटीग्रेट होकर ये बन गई cos of theta। तो ये जो डेरिवेटिव था किसका डेरिवेटिव था माइनस tan इनवर्स cos of theta का ये डेरिवेटिव था। नेक्स्ट फिर इसी जैसा क्वेश्चन है, यहां पर आप फॉर्मूला बता सकते हैं सिंस इंटीग्रल साइन ऑफ वन ओवर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, तो यहां टी आर था इसलिए फॉर्मूला मैंने बता दिया। फिर है जी क्वेश्चन नंबर 15 जो इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा, कॉस ऑफ एक्स डी एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स इंटू एलन ऑफ साइन ऑफ एक्स, देखें ये सारी एक्सप्रेशन है इसको इन हाई सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने लेके आना ताकि हम इसको इजीली इंटीग्रेट कर सके, तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं। इसमें से अगर मैं लेट कर लू एलन ऑफ साइन ऑफ एक्स, लेट एलन ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, जब आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये ln ऑफ sin ऑफ x का है तो ये आ जाएगा ln ऑफ x का डेरिवेटिव का 1 ओवर x, तो ये 1 ओवर sin ऑफ x आ जाएगा, ये x का पूरा 1 ओवर x। अब sin ऑफ x का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या आ जाएगा cos ऑफ x और x का डिफरेंशियल लेंगे तो dx और ये साथ क्या हो जाएगा dt, यानी इसका मतलब है cos ऑफ x dx ओवर साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये एक्सप्रेशन बन गई।
So therefore, integral of cos of x dx over sine of x into ln of sine of x, ये किसके बराबर हो गया? ये देखें, cos x dx sine of x, cos x dx sine of x, इसकी जगह dt आ गया और ln of sine of x की जगह t आ जाएगा, तो ऊपर वन लगा सकते हैं। तो ये बन गया, ये वन ओवर t, तो वन ओवर x है, कि किसका डेरिवेटिव है? ln of x का, तो ये यहाँ t है, तो ln of t आ गया। और log जो है वो इसके साथ absolute डालना है नंबर का, क्योंकि negative नंबर का log भी तुम क्या है वो नहीं होता, और यहाँ constant c कर लिया। तो putting value of t, तो क्या आ जाएगा? ln of t आपने किसके ऊपर रखा था? ln of sine of x plus constant, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटीग्रल साइन कॉस ऑफ एक्स एलन ऑफ साइन ऑफ एक्स और साइन ऑफ एक्स डी एक्स, ये एक्सप्रेशन है कॉस ऑफ एक्स ln of sine of x over sine of x। इसमें लेट कर लिया ln of sine of x is equal to t, इसका डिफरेंशियल लेंगे तो ये पूरा समय x है, तो 1 over sine of x, साइन का डिफरेंशियल लेंगे तो कॉस ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। तो इसको ऐसे लिख लिया कॉस ऑफ एक्स डी एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स इंटू एलन ऑफ साइन ऑफ एक्स over sine of x dx is equal to, अब देखेंगे cos x sine x और dx, ये सारा एक्सप्रेशन मौजूद है यहां, इसकी जगह dt आ जाएगा और यहां ln of sine की जगह t आ जाएगा। तो जब ये इंटीग्रेट होगा, इसकी पावर 1 है तो n प्लस 1 वाला फार्मूला, तो क्या आ जाएगा? t प्लस 1 प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ t, तो t आपने इसकी इक्वल लिया था, इसकी इक्वल ये t, तो ln ऑफ sin ऑफ x और t का क्या आ रहा था? स्क्वायर, तो ऊपर मैंने क्या इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया और स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस कांस्टेंट। तो ये जो इंटीग्रल था dx, वो आपका इसके इक्वल आ गया इंटीग्रेट होकर। इसी स्टाइल का बिल्कुल इसी पैटर्न पर भी क्वेश्चन होगा, वो अभी हम एक और रहता है, वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर है 19, इंटीग्रल साइन कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बाय 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर अंडर रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स।
तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस से आएंगे आपको। तो अगर हम ये एक्सप्रेशन ले रहे हैं ये वाली, लेट्स